आई मीन गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो थैनोस के मोटिव्स है वो कभी गलत लगे हैं। विलन्स इसलिए भी और भी ज्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं क्योंकि वो आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं जिसकी सोसाइटी ने बहुत ही ज्यादा मारी है, तो अब वो वापस से सोसाइटी की मार रहे हैं। टॉम हिडलस्टन जो कि लोकी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने बोला है कि एवरी विलन इज अ हीरो इन हिज ओन माइंड। As a children, we all loved heroes, but why, as an adult, we more explore about villain and feel so relatable? और of course यहाँ पे मैं कोई Bollywood के जाहिल गवार villains के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि Green Goblin, Thanos, Joker, Loki, Tyler Durden जैसे well-known villains के बारे में बात कर रहा हूँ। I mean guys, just think about it कि जो Thanos के motives है वो कभी गलत लगे हैं। वो universe की 50% population को गायब कर देना चाहता था ताकि जो बची हुई 50% population है वो सुखी से शांति से रह पाए। आई नो कि इसका जो विजन है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है वो इंसानियत को बचाना ही था। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से उसका जो घर है टाइटन, उसकी क्या हालत हो गई थी। दूसरे विलन्स लाइक होमलैंडर, जिनकी थिंकिंग ही इतनी ज्यादा ब्रूटल होती है, उसने ओपनली आके ये बोल दिया था कि आई डोंट मेक अ मिस्टेक, आई एम नॉट जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ यू। अब उसकी इतनी ब्रूटल थिंकिंग आई कहां से? अगर उसकी चाइल्डहुड स्टोरी पे हम लोग फोकस करें तो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? लव, प्रेम। उस उम्र में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और तो और ये चीज करके उसके मजे भी लिए जाते थे। इसके बाद धीरे धीरे उसको अपनी पावर रिकॉग्नाइज होना चालू हुई और उसको पता चला कि जो लोग मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन लोगों को मैं चुटकी बजाते ही मसल सकता हूँ। देन वो अपने आप को सुपीरियर क्यों ना समझे सबसे? सुपीरियरिटी के साथ साथ में एक चीज आती है जिसका नाम है ईगो, जो कि आजकल हर प्राणियों में पाया जाता है। भले ही उसने अपनी जिंदगी में कुछ खास किया ना हो, लेकिन ईगो उसके पास में अवेलेबल होगा। तो ये जो होमलैंड के कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है, ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये आपके आसपास ही प्रेजेंट हो सकता है। लाइक आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड्स हो सकता है, जिसका तो चाइल्डहुड तो खराब था लेकिन उसकी वजह से वो आपका आज का प्रेजेंट खराब कर रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर को अगर कोई जी रहा है और कोई जेल रहा है, वो दोनों ही रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर कोट याद आ रहा है, आई मीन याद तो नहीं किया है, देख के बोलना पड़ेगा। हीरो एंड विलन always have the same backstory, pain. The difference is what they choose to do about it. Villain says, the world hurt me, I will hurt back. And hero says, world hurt me, I'm not gonna let it hurt anybody else. Hero use pain and villain use by it. कहने का भावार्थ ये है कि hero and villain दोनों की same backstory होती है, दर्द, पर एक उसको पावर की तरह यूज करता है और दूसरा एज अ वेपन की तरह। इसको आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि अंकल बेन की मौत के बाद में स्पाइडरमैन के पास में दो ऑप्शन थे, या तो वो अच्छा स्पाइडरमैन बने या फिर वो बुरा स्पाइडरमैन बने। उसने एक आदमी को मार दिया था जिसने कि अंकल बेन को मारा था, जिसके बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये चीज गलत है। उसका ये रियलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर उसको ये रियलाइज नहीं होता। देन स्पाइडरमैन 3 में जब सिम्बियोट उसकी बॉडी को होस्ट बनाता है, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। विलन्स इसलिए भी और भी ज्यादा रिलेटेबल हो जाते हैं क्योंकि वो आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं जिसकी सोसाइटी ने बहुत ही ज्यादा मारी है, तो अब वो वापस से सोसाइटी की मार रहे हैं। और ये चीज जो विलन के पर्सपेक्टिव से है वो सही भी लगती है। टॉम हिडलस्टन जो कि लोकी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने बोला है कि एवरी विलन इज अ हीरो इन हिज ओन माइंड। एक्टर जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, टॉम हिडलस्टन जिन्होंने लोकी का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्होंने बहुत सालों तक एक विलन की लाइफ जी है, तो उनको पता है कि विलन कैसे सोचते हैं। और ये बात सही भी है, अगर किसी को कभी लग जाए कि नहीं भाई मैं गलत हूँ, तो उस जगह वो रुक जाता है, आगे वो बुरे काम नहीं करता है। जब उसको खुद को ऐसा लगने लगे कि नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और यही जस्टिफाइड है, देन वो बुरे काम करता ही जाता है। बहुत बार विलन्स को खुद को भी पता होता है कि ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करते हैं। आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जो वेल नोन विलन्स है वो हमेशा से हॉलीवुड की तरफ से ही आते हैं। बॉलीवुड में भी होते हैं लेकिन इतने ज्यादा खास नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देन हॉलीवुड मूवीज या फिर वेब सीरीज में हमको विलन्स के बारे में और भी ज्यादा एक्सप्लोरेशन मिलती है, जैसे कि लोकी, वो ऐसा क्यों है जिसके बारे में हमको थॉर मूवी या फिर आगे जितनी भी मूवीज आई हैं उसके अंदर अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है। थैनोस ऐसा क्यों है जिसके बारे में एक बैक स्टोरी है। यहाँ पे तो मेन हीरो का ही इतना स्क्रीन टाइम होता है कि विलन की स्टोरी बताने का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर उसकी स्टोरी बताएंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे कि वो जो कर रहा है वो जस्टिफाइड कैसे है। मोटा मोटी यही है कि एक अच्छी सिनेमाटोग्राफी भी रोल प्ले करती है एक अच्छे विलन को रिप्रेजेंट करने
करने के लिए। आई मीन कि एक चोर की साइड अगर हम लोग को अच्छी सिनेमाटोग्राफी के साथ में दिखाया जाए तो वो भी एक अच्छा हीरो लगेगा। जैसे कि मनी हाइस्ट, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत तो है ही ना। जिस पर्सपेक्टिव से हमको वो दिखाया जाता है कि उन्होंने बहुत सारा जेला है, उन्होंने ये जेला है, उन्होंने वो जेला है, तो हम लोग बहुत ज्यादा कर पाते हैं कि नहीं ये सही है। तो हीरो हो या फिर विलन, पर्सपेक्टिव दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हीरो और विलन और भी ज्यादा रिलेटेबल होते हैं मूवीज के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि विलन बहुत सारे गलत काम करता है लेकिन उसको कोई भी रिग्रेट नहीं होता है। ये चीज हम लोग महाभारत से समझ सकते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा था कि आखिर तुम गलत काम करते ही क्यों हो। उसने जो भी आंसर दिया था उसको हम लोग इंटरप्रिटेट करें तो हम लोगों को पता चलता है कि उसका कहना ये था कि हर ह्यूमन के कुछ ना कुछ एडिक्शन होते हैं, लाइक किसी के रील्स देखना होता है, किसी को सिगरेट फूकना या किसी को गेम खेलना, कुछ भी हो सकता है। तो उसका एडिक्शन ये गलत काम करना था। उसका मामा और उसके जो भी मित्रगण थे उसका ब्रेन वॉश करते रहते थे कि ये गलत काम करना एक सही चीज है, तो उसके माइंड ने ही लास्ट में जाके एक्सेप्ट कर लिया था कि ये गलत काम है ही नहीं। यहाँ पे मेरा कोई भी मकसद विलन्स को प्रमोट करना नहीं है कि मैं विलन्स को बढ़ा दे रहा हूँ। हर गलत काम करने वाले को कर्मा सजा देता ही है। एट द एंड ऑफ द डे दुर्योधन हो, जोकर हो, थैनोस हो, सबका सफाया हुआ ही है। तो यहाँ पे मैं विलन्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बल्कि उनका नजरिया दिखा रहा हूँ कि उनका नजरिया कैसा होता है और क्यों बहुत सारे यंगस्टर जो है वो रिलेट कर पाते हैं उनसे बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा होता है कि जो विलन कर रहे हैं वो गलत होता नहीं है बल्कि वो जिस रास्ते पे से जाके वो करने वाले हैं वो रास्ता गलत होता है। तो कोई भी विलन्स को रियल लाइफ में अपनाने की ट्राई मत करो, देखो, मजे करो, खुश रहो। आज के लिए इतना ही ज्ञान, 4-5 मिनट तक जो आपके ब्रेन की मैंने, तो उस वजह से मेरे को माफ कर देना अगर ज्यादा कुछ हो गया हो तो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए प्लीज लेट मी नो। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब का सोच लेना। मैं हूँ HS Explorer।